दोस्तों आज मैं लॉ एडिटर के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत करता हूं। ये जजमेंट है, ये डॉक्टर, इसका टाइटल है डॉक्टर क्लाउडियो डी सिमोन वर्सेस एक्टियल फार्मास्यूटिका एसआरए। तो इस केस में क्या इशू था? इस केस में इशू था वेदर इंफॉर्मेशन इन एन एक्सपायर्ड पेटेंट कैन बी एसर्टेड बाई वे ऑफ पासिंग ऑफ एक्शन और बाई वे ऑफ रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे था कि यदि कोई पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो क्या उसमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको आप पासिंग ऑफ एक्शन या बाई वे ऑफ रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के रूप में एसर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जजमेंट 17 मार्च 2020 को पास हुआ था, सूट नंबर CSOS नंबर 576 ऑफ 2019 और टाइटल है प्रोफेसर डॉक्टर क्लाउडियो डी सिमोन एंड अदर वर्सेस एक्टियल फार्मास्यूटिका एसआरए फॉर्मरली नोन एज सीडी इन्वेस्टमेंट एसआरए। और ये केस पास, जजमेंट पास हुआ जो ऑनरेबल जस्टिस श्री राजीव शाह इन लॉ ने पास किया। तो ये केस था कि जो प्लेंटिफ नंबर 1 थे जिनका नाम है डॉक्टर क्लाउडियो डी सिमोन, ऐसा उन्होंने कहा कि 1990 के आसपास उन्होंने एक हाई बैक्टीरियल कंसंट्रेशन है उसको बनाया और जिसकी एक विशेषता थी कि उसकी एक यूनिक इम्यूनोलॉजिकल एंड एंजाइमेटिक प्रोफाइल था और इसको आप आगे देखेंगे कि ये प्रोबायोटिक फॉर्मुलेशन था बाय ब्लेंडिंग 8 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। तो एक तरह के 8 तरह के बैक्टीरिया को मिला के जो प्रोबायोटिक सिम्पटम बनाया गया था, जो कि इनिशियली US में 571-6615 ऑन 10 फरवरी 1998 को ग्रांट हुआ था और प्लेंटिफ इसमें को इन्वेंटर था और जो प्लेंटिफ नंबर 1 था वही इसका सोल ओनर था एंड नो हाउ का। तो जो प्लेंटिफ के हिसाब से इसका जो नो हाउ था वो सेक्रेट था और इसका ओनर प्लेंटिफ था। बाद में कहानी आगे बढ़ती है कि जो प्लेंटिफ है उसने एग्रीमेंट किया डिफरेंट पार्टी के साथ और एक नई पार्टी सीडी इंटरनेशनल ऐसे बनी जो कि प्लेंटिफ नंबर 1 को बिलोंग करती थी। बाद में जो सीडी इंटरनेशनल जो कि प्लेंटिफ की कंपनी थी उसने डिफरेंट नंबर 1 को बनाया और प्लेंटिफ नंबर 1 डिफेंडेंट नंबर 3 का CEO बना। बाद में 18 सितंबर 2000 को पेटेंट लाइसेंस एग्रीमेंट प्लेंटिफ नंबर 1 ने ग्रांट किया डिफेंडेंट नंबर 3 को टिल द एक्सपायरी ऑफ पेटेंट विच एक्सपायर्ड ऑन फरवरी 2015। तो ये केस है कि जो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट नंबर 3 को लाइसेंस दिया और 28 जनवरी 2010 को प्लेंटिफ नंबर 1 और डिफेंडेंट नंबर 3 ने नो हाउ एग्रीमेंट इंटर किया सो दैट जो डिफेंडेंट नंबर 3 है वो जो प्लेंटिफ नंबर 1 का फॉर्मुलेशन है वो पेटेंट के एक्सपायर होने के बाद भी इस्तेमाल कर सके। तो केस आगे बढ़ती है कि जब 2013 में जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ सीडी ग्रुप थे उन लोगों ने जो डी सिमोन फॉर्मुलेशन था उसको मॉडिफाई या एडल्ट्रेट करने की कोशिश की और उसको बेचना चाहा VSL3 ब्रांड के अंदर। तो जो VSL3 ब्रांड था ये एक्चुअल में सीडी ग्रुप का ब्रांड था और उस ग्रुप ने अपने ब्रांड में इस प्रोडक्ट को बेचना चाहा विदाउट
obtaining any validation from the authority and without retesting the same on animals. तो इस तरीके से प्लेंटिफ वन ने रिफ्यूज किया काम करने से सीडी ग्रुप से और अपना नो हाउ एग्रीमेंट 28 जनवरी 2010 को कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। और 6 दिसंबर 2014 के बाद जो डिफरेंट नंबर 2 है उसके पास कोई अधिकार नहीं रह गया कि वो डी समन फॉर्मुलेशन को इंडिया में इंपोर्ट कर सके या मार्केट कर सके। कहानी आगे बढ़ती है, जो प्लेंटिफ ने जब ग्रुप छोड़ दिया तो उन्होंने अपने नो हाउ एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया और आगे बढ़ते हैं तो फिर प्लेंटिफ ने डिफरेंट कंट्री में कोरोबरेट किया इसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए और फिर जो डी सेवन फॉर्मुलेशन है नाउ भारत में विज बियोम के नाम से और अदर कंट्री में वीवो मिक्स के नाम से लॉन्च किया गया। कहानी आगे बढ़ती है कि 12 जून 2014 को फिर प्लेंटिफ नंबर 1 ने प्लेंटिफ नंबर 2 को अधिकार दिया तो इंडिया में इस प्रोडक्ट को बेच सकता है। अब ये केस इसलिए फाइल किया गया क्योंकि जो सीडी ग्रुप है उसके पास कोई अधिकार नहीं था प्लेंटिफ के फॉर्मुलेशन को यूज करने का। तो प्लेंटिफ कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग प्लेंटिफ ने काउंटरफिट फॉर्मुलेशन तैयार किया और यूके में 2015 में VSL3 के नाम से लॉन्च कर दिया। तो इस तरह से केस था प्लेंटिफ का कि ये काउंटरफिट प्रोडक्ट थे और इस तरह से लॉन्च करना गलत है और वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो VSL3 है ये प्रोबायोटिक फूड है। प्लेंटिफ का कहना है कि चूंकि डिफेंडेंट ने जो ट्रेड ड्रेस है न्यू VSL3 का वो बिल्कुल सेम रखा है जैसे कि डॉक्टर सिमोन फॉर्मुलेशन का था तो इस कारण से वो वायोलेट कर रहा है और प्लेंटिफ ने ये भी कहा कि जो VSL प्रोडक्ट है ये प्रोबायोटिक फूड नहीं है नियरली प्रोबायोटिक फूड। तो इस तरह से जो डिफेंडेंट्स हैं वो गलत कर रहे हैं तो उन्होंने प्लेंटिफ ने केस फाइल किया ये कहते हुए कि आप डिफेंडेंट को रजिस्ट्रेशन करें इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए विदाउट गेटिंग एप्रोप्रिएट अप्रूवल फ्रॉम द DCGI। तो ये कहना था प्लेंटिफ का कि डिफेंडेंट ने एप्रोप्रिएट अप्रूवल नहीं लिया है तो बिना लिए हुए आप ऑर्डर पास करो कि बिना DCGI का अप्रूवल लिए हुए वो इस प्रोडक्ट को मार्केट में यूज नहीं कर सकता है और दूसरा प्रेयर था कि आप उसे रिस्टेन कीजिए कि VSL3 प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा और तीसरा जो प्रेयर था कि जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिव का टेस्ट या स्टडी है वो यूज नहीं करेगा। तो जब ये सूट पहली बार आया ऑनरेबल कोर्ट के सामने तो कोर्ट ने ये क्वेश्चन कहा रखा कि ये जो भी आपने राइट यहाँ पे जो इस सूट में रिलीफ मांगा है तो ये जो रिलीफ है इसमें कोई इंडिविजुअल सिविल राइट सीक नहीं किया गया है इस कारण से सेक्शन 4 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बार्ड है जो प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स।
and only for the purpose of and not for the mere purpose of enforcing a penal law. तो कोर्ट ने कहा कि जैसे कि आपने देखा कि प्लेटिव ने कहा कि आप इनेक्शन ऑर्डर पास करो कि जो डिफेंडेंट है वो बिना डीसीजीआई से अप्रूवल लिए हुए प्रोडक्ट नहीं बेचेगा. तो कोर्ट ने कहा ये तो कोई इंडिविजुअल राइट नहीं है, पर्सनल राइट नहीं है, तो इस कारण से सेक्शन 4 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बार है. बाद में जब डिफेंडेंट जब प्लेंटिफ ने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन भी डाली थी, फिर भी प्लेंटिफ ने कहा कि चूंकि हमने एक प्रेयर मांगी हुई है, पास ए डिग्री ऑफ परमानेंट इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग डिफेंडेंट फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंकिंग पब्लिक रिलेटिंग सीडी प्रोडक्ट टू प्लेंटिफ नंबर 1 और टू डॉक्टर सिमोन फॉर्मुलेशन और टू टेस्ट रिसर्च स्टडीज कंडक्टेड ऑन डी सिमोन फॉर्मुलेशन. तो उसने कहा इस तरीके से हम इंडिविजुअल प्राइवेट राइट हैं वो एसर्ट कर रहे हैं, तो इस ये सूट है, मेंटेनेबल है. अब प्लेंटिफ का अगला क्वेश्चन था कि इसमें उसने पासिंग ऑफ के कंसेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश की. इसका आर्गुमेंट था द सूट इज प्राइमरीली फॉर पासिंग ऑफ एन अनजस्ट इनिचमेंट बाई सीकिंग टू सेल न्यू VSL3 बाई रिलाइंग ऑन स्टडीज एंड रेपुटेशन ऑफ डॉक्टर सिमोन फॉर्मुलेशन. तो इस वाले केस में प्लेंटिफ ने कहा कि ये जो डिफेंडेंट की एक्टिविटी है इसके द्वारा उसको अनजस्ट इनरिचमेंट हो रहा है, क्योंकि वो जितने भी डॉक्टर सिमोन द्वारा स्टडी किए गए हैं या रेपुटेशन है उसका इस्तेमाल कर रहा है. तो इस तरीके से एक पेटेंट जो कि एक्सपायर कर चुका है उसके टेस्ट को रिलाई करते हुए डिफेंडेंट VSL3 जो प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा है वो गलत है, वो अनजस्ट इनरिचमेंट है. तो इस कारण से ये सूट है, ये पासिंग ऑफ का क्लेम किया गया है. फिर कोर्ट ने बाद में फाइंडिंग दी कि द प्लेंट इन माई व्यू डज नॉट डिस्क्लोज एनी कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ डिफेंडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ पासिंग ऑफ देयर गुड्स एट दैट ऑफ द प्लेंटिफ. कोर्ट ने कहा कि ये पासिंग ऑफ का जो केस है ये मेंटेनेबल नहीं है. रीजन क्या है, उन्होंने कुछ रीजन्स दिए. पहला रीजन था द प्लेंटिफ क्लेम डी सिमोन फॉर्मुलेशन पासिंग ऑफ हियर बाई डिफेंडेंट्स इज एलिज्ड टू बी ए पेटेंटेड प्रोडक्ट. हाउएवर द पेटेंट प्लीडेड विथ रिस्पेक्ट टू डी सिमोन फॉर्मुलेशन इज अंडर लॉ ऑफ USA एंड इट इज नॉट द केस ऑफ प्लेंटिफ दैट डी सिमोन फॉर्मुलेशन हैड एनी पेटेंट इन इंडिया. तो कोर्ट ने कहा कि ये पासिंग ऑफ एक्शन है और प्लेंटिफ ने ऐसा कहीं क्लेम नहीं किया है कि ये जो पेटेंट है वो इंडिया में ग्रांट हुआ है. तो कोर्ट ने यह माना कि अनलाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन ट्रेडमार्क वेयर द कॉमन लॉ टोट ऑफ पासिंग ऑफ इज स्टैच्युटरली रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 27(2) ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट देयर इज नो कॉमन लॉ इन इन्वेंशन. कोर्ट ने कहा कि ट्रेडमार्क एक्ट में तो पासिंग ऑफ लागू हो सकता है लेकिन पेटेंट में पासिंग ऑफ अ कंसेप्ट नहीं है. होल्डिंग दैट देर इज नो राइट अंडर द कॉमन और अदरवाइज ऑफ कॉपीराइट सेव एक्ट प्रोवाइडेड. तो कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट पर रिलाई करते हुए माना कि सिमिलरली कॉपीराइट में भी कोई कॉमन लॉ राइट नहीं होता है. और इसी तरीके से एक ब्रिशल मेयर वर्सेस नेक्टो फार्मा का जजमेंट आया, तो वहाँ पर भी फाइंडिंग है कि देयर कैन बी नो राइट इन एनी इन्वेंशन सेव इन अकॉर्डेंस विद द पेटेंट एक्ट. और सिमिलर तरह की फाइंडिंग नोवेटिस AG वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आई थी 2013-6 ACC, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ कॉपीराइट डिजाइन एंड पेटेंट अनलाइक ऑफ ट्रेडमार्क इज प्योरली एंड सिंपली एस ए छुट्टी राइट एंड देयर कैन बी नो राइट इंक्लूडिंग क्लेम्स इन टॉट ऑफ अनफेयर कंपटिशन और अनजस्ट इनरिचमेंट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ लिटरेरी एंड आर्टवर्क और डिजाइन और इन्वेंशन. तो सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नोवाटिस AG वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
इस पे कोर्ट ने रिलाई करते हुए माना कि पासिंग ऑफ पेटेंट में लाइन नहीं कर सकता है, और कोर्ट ने ये कहा इट इज़ नॉट फॉर द जजेस टू स्टेप इन एंड लेजिस्लेट इनटू एग्जिस्टेंस न्यू कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट ओपन फॉर द कोर्ट टू क्रिएट सच जुडिशियल रेमेडीज और रेमेडी दैट द कोर्ट कंसिडर अनफेयर। तो कोर्ट ने इस तरीके से फाइंडिंग दी कि कोर्ट अपने आप को लेजिस्लेट नहीं कर सकती, और यदि इंफॉर्मेशन है, वंस वी रिकॉग्नाइज दैट मियर इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोटेक्शन अंडर कॉमन लॉ, इट बिकम्स अपेरेंट दैट अदर मीन्स कंटिन्यू टू रिमेन अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन by way of action for breach of common law duty of the confidence, which is a right in personam against an individual who has come across such information under confidence and crucially is distinct from proprietary right of such information itself opposable in re. The court is thus kaha, as it is evident from the plain, the written submission presented on behalf of plaintiff patent has not been sought in regard to D. Simone formulation in India and the US patent has expired, in which context a passing of claim sans patent protection in any case cannot be entertained. Thus, तो इस तरह से court ने यह माना कि चूँकि प्लेंटिफ का यहाँ पे कोई भी पेटेंट नहीं है, तो इस परिस्थिति में पेटेंट में कोई पासिंग ऑफ एक्शन एसर्ट नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक इंफॉर्मेशन के कॉन्फिडेंशियल होने की बात है, तो कोर्ट ने यह भी कहा इन एनी केस इंफॉर्मेशन क्लेम टू बी कॉन्फिडेंशियल कैन बी प्रोटेक्टेड एज ए ट्रेड सीक्रेट only if such information is not available in public domain. तो आप किसी भी information को trade secret के रूप में भी assert कर सकते हो, provided वो public domain में available नहीं है। तो इस तरीके से court ने कहा कि यहाँ पे plaintiff ने passing of action patent में कोशिश की है, तो इस कारण से जो court है, जो plaintiff है, वो कोई और कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करता है। तो कोर्ट ने इस इशू को डिसाइड कर दिया कि पासिंग ऑफ एक्शन पेटेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है, अनलाइक द ट्रेडमार्क लॉ जहाँ पे पासिंग ऑफ को रिकॉग्नाइज किया गया। तो दोस्तों ये था मेरा एपिसोड 6। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने सुना। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।